का दिया जाए और 15 अगस्त का मैं खुद अध्यक्ष की हैसियत से करूं, इस तरीके से रिवायत हम लोग कायम करना चाहिए ताकि सबको मौका मिले। तो आज मैं चाहता हूं कि लियाज उमर साहब कार्य अध्यक्ष जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उनके हाथों से आज का झंडा बंधन होगा, उसे अमल में लाया गया। हमारे संविधान को, हमारे कानून को नाफिज किया गया, जमहूरी निज़ाम कायम हुआ और आज दुनिया की हम सबसे बड़ी जमहूरियत है। इसलिए आज के दिन को 26 जनवरी को उस याद में मनाया जाता है और हमें फख्र है कि तरह तरह के मजाहिब के लोग, तरह तरह के बोलने वाले, तरह तरह के कल्चर के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग तरीके से अपने जिंदगी गुजारने वाले सभी लोगों को, हर गुलशन के पौधे को एक गुलदस्ते में डालकर जितना बेहतरीन गुलदस्ता हमारा हिंदुस्तान है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, हमें इस पर फख्र है। इसीलिए आज राष्ट्रवादी भवन पर, मालेगांव शहर में राष्ट्रवादी भवन पर हमारे कायद, हमारे शहर की नई संत शेख आसिफ साहब की कयादत में हम लोगों ने झंडा लहराया है और हमें हमारे हिंदुस्तान और संविधान का फख्र है। खुदा हाफिज जी। छब्बीस जनवरी को 1950 को पूरे मुल्क में नाफिज किया गया।
इसके बाद हिंदुस्तान में तर्ज हुकूमत का आगाज हुआ, जिसमें तमाम लोगों के लिए आज़ादी व इंसाफ की मसावत जमानत दी गई और तमाम हिंदुस्तानी को यकीन दिलाया कि वो इस मुल्क के अंदर अमन से रहेंगे और इन्हें हर तरह का तहफ़ हासिल होते रहेगा। मोहतरम सामिन किराम, तो आइए हम अहद करें कि जमहूरियत साल में अकेले कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम मुमकिन कोशिश करते रहेंगे, अखुवत मोहब्बत भाईचारगी को फरोग देंगे। अब आखिर में मैं इस शेर से अपनी बात को खत्म करती हूँ। हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ऐ वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। शुक्रिया।